I think I have never shied away from asking for work. जब मैंने प्यार का पंचनामा 2 पे भी मैं एडी थी तभी मैं ऑडिशन के तौर पे गई थी एंड आई थिंक तब मेरा ऑडिशन नहीं हुआ था और मैंने तब लव सर को कहा कि सर आई वॉन्ट टू बी ऑन द सेट आई वॉन्ट टू एडी. वैसे ही मेरी जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुई और अभी रिसेंटली मैं जब दीनू के ऑफिस में थी दिनेश जो हमारे प्रोड्यूसर है मैं बंटी बबली के बाद एक्चुअली आई थिंक थोड़ा समय गुजर गया था और मैं उनके पास गई थी काम मांगने के लिए और मैंने उनको बोला था कि सर आई रियली वांट टू वर्क विद मैड डॉग बिकॉज मुझे पता था कि लाइक दे सेड दे बिलीव इन न्यू टैलेंट एंड दे गिव देम चांसेस. सो मैं गई थी एंड तभी दीनू ने बोला कि यू नो व्हाट आज सुबह सुबह मैंने कुछ तो एक चेंज किया स्क्रिप्ट में ऐसा 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 मी द डायरेक्टर नाउ. तो मैंने बोला ओके और फिर आदित्य सर आए थे और हम कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के हम जैम कर रहे थे इस कहानी पर और मैंने कहा मेरा महाराष्ट्र कनेक्ट होने की वजह से इंस्टेंटली आई वाज यू नो आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. सो आई थिंक दैट आई हैव ऑलवेज होप्ड एंड ड्रीम्ड टू बी एन एक्टर जिसे लोग पर्दे पर देख के बोले कि अरे मैंने शर्मा जी से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था. आई थिंक इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए हो ही नहीं सकता बिकॉज आई वॉन्ट टू बी दैट एक्टर ऑफ द जनरेशन हु इज गिविंग डिफरेंट जॉनर्स डिफरेंट परफॉर्मेंसेज इन एवरी सिंगल फिल्म. जैसे आप कहेंगे मुंजा में इट्स अ हॉरर कॉमेडी वेदा इज एन आउट एंड आउट एक्शन फिल्म एंड हैज अ लॉट ऑफ ड्रामा ऑफ कोर्स पाय यूनिवर्स इज अ वेरी स्लीक कूल एक्शन. सो आई थिंक कि फॉर मी आई एम ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स इट हैज बीन अ कॉन्शियस एफर्ट कि मैं कुछ अलग करूँ और मैं ऑडियंसिस को हमेशा वो फीलिंग दूँ कि अरे हमने शायद इसे एक्सपेक्ट नहीं किया था. Honestly, I think social media एक जरिया है for an audience to connect with the people that they love. और मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि social media has its own good and bad. लेकिन कोई अपने मतलब कोई अपने वक्त में से 5 मिनट अपने फेवरेट एक्टर के बारे में जानना चाहता है. लोग बगल में कोई बैठे उसे नहीं पूछते कि आप कैसे हो आजकल बट वो इतना आपसे प्यार करते हैं कि वो जानना चाहते हैं एंड आई ऑलवेज फील इट कम्स फ्रॉम अ वेरी वेरी गुड प्लेस. ऑफकोर्स देर आर बाउंड्रीज एंड लिमिट्स टू एवरी थिंग बट आई ट्रूली सी दिस एज अ वेरी पॉजिटिव थिंग. सो आई थिंक दैट्स अ लवली ट्रेंड.